आप सभी लोग देख रहे हैं, रोज न्यूज में पढ़ रहे हैं, ये भी एक महामारी का रूप ले लिया है। और टिड्डी दल को आज जो है, टिड्डी जितने दल आ रहे, मतलब टिड्डी दल जो ये इंसेक्ट आया हुआ है, इसको आप देखिए अपॉर्चुनिटी में कैसे लोगों ने बदला। इसमें 80% प्रोटीन है, और ये जो खास तौर से पोल्ट्री फार्म जो फीड होता है उसमें यूज कर सकते हैं। खास तौर से इंजीनियरिंग के बच्चे जो ड्रोन बना करके उसको इंसेक्ट को इंसेक्ट अट्रैक्ट करके और उसे कलेक्ट करके, आप देखिए किस तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। तो एक मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी महामारी है उसे अवसर में बदलने के लिए हमारा हिंदुस्तान, हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, सब बहुत आगे रहे हैं। और यही आज भी हमको सोचना है कि COVID-19 का जो महामारी है उसे हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं और उससे क्या अवसर हम ले सकते हैं। COVID-19 जो है, आप देखिए एक COVID-19 के समय में एक बहुत अच्छी चीज हुई, आप सब लोग पढ़ते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना सुधर गया है, ओजोन लेयर जो है वो भर गई काफी हद तक। आप देखो हमारी नदियां, काफी नदियां हमारी साफ हो गई, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इसका इफेक्ट आया जिसके कारण कि मतलब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हुआ। ये एपिडेमिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आज हम एक चीज थोड़ा और आप लोगों से इसके पहले शेयर करना चाहूंगा कि आज हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और डिजिटल फोकस कर रहे हैं लर्निंग और सभी चीजों में, लेकिन हमको डिजिटल खास तौर से इंजीनियरिंग के जो हमारे और एजुकेशन के लोग हैं, डिजिटल इंडिया से डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करने से कुछ थोड़ी आज ज्यादा यूज करने से कुछ दिक्कतें आ रही। तो हमको खास तौर से एजुकेशन के जो लोग हैं उनको ये भी इसके निगेटिव इम्पैक्ट को भी एड्रेस करके किस तरीके से एजुकेशन में, जैसे एक टेक्नोफोबिया है, नमोफोबिया, आज मैं ज्यादा यहाँ पे इसको डिटेल नहीं बता सकता समय के अभाव में, लेकिन ये इस इन चीजों को ये नेट्स पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक चीज हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आएगा, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसको कि हमको एक एकेडमिक के माध्यम से एड्रेस करना है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए जितना हम लोग टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते जा रहे हैं तो एक नई तरीके की जो है एपिडेमिक्स आने की संभावना रहती है। जैसे ई वेस्ट है, कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप इसको देखें तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है, चाहे वो न्यूक्लियर वेस्ट हो या हमारे टेलीफोन या इस तरीके की बैटरीज हैं, कंप्यूटर के जो सामान है, इससे हैवी मेटल्स जो जमीन में जा रहे हैं, हैवी मेटल्स के अलावा कुछ पॉइजनस गैसेस भी आ रही हैं, तो हमको उसको भी एड्रेस करना है। और खास तौर से हमारे वैज्ञानिकों को आने वाले समय में हमको एड्रेस। एक और चीज है, COVID-19 के आने के बाद पॉलिथीन का बहुत उपयोग हो रहा है, जैसे मास्क जो है सिंगल यूज मास्क है, तो ऐसे समय में गार्बेज जो बढ़ता चला जा रहा है, ये जो मेडिकल वेस्ट है वो बढ़ रहा है, तो मेडिकल वेस्ट को कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, ये एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे वैज्ञानिकों को है कि उससे क्या हम बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं और किस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सोचना है। मास्क आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मास्क जो है एक्युमुलेट हो रहा है। अब मैं चर्चा करूंगा जो मेन हमारा है कि एक ग्रुप है फंजाई, ये भी जैसे दूसरे सूक्ष्म जीव हैं वैसे फंजाई है। फंजाई जो है अब इसमें लेकर हो गया होगा इसमें महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे वो क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, मतलब ये प्रकृति के तीन नियम हैं। जैसे कोई चीज को जनरेट मतलब पैदा करता है, उसको सेवा करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ये तीनों जो काम जो है एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई जिसको कवक बोलते हैं वो करता है। और आप क्रिएटर में आप देखिए बहुत सारी मेडिसिन बायो मॉलिक्यूल्स करता है, पैदा मतलब ये जनरेट करता है, फूड फ्यूल और टेक्सटाइल से लेकर के सारी चीजें, इवन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी ये कार्य करता है, और ये बायोडिग्रेडेशन भी करता है, कई जगह नुकसान भी करता है, पैथोजन भी है, टॉक्सिन भी है, एलर्जी भी करता है। इसलिए आप देखिए कि फंजाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर में। इसमें एक ग्रुप जो होता है वो लार्जर फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें मिलती हैं उसको हम मशरूम बोलते हैं, आप सभी लोग मशरूम से परिचित होंगे,
मशरूम जो है बारिश के दिनों में जंगल में ऐसे सड़ी गली जहां चीजें रहती हैं वहां पे ये बहुत सारी चीजें रहती हैं और वहां पे ये मशरूम रहता है। और आपको देखिए इस स्लाइड में यदि आप देखेंगे तो मशरूम ऊपर रहते हुए भी अंदर जो है सॉइल के अंदर वो अपना एक नेटवर्क बनाता है और उस नेटवर्क के माध्यम से जो है सॉइल को प्यूरिफाई करता है, कई तरीके के वो काम करता है। आप ये देखिए माइक्रो रेस्टोरेशन मतलब किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को हेल्प करता है। यदि आप मशरूम की नेटवर्क देखें तो उसमें जैसे माइसिलियम होता है, जैसे प्लांट में रूट होता है, उसी तरीके से जो मशरूम होते हैं इनकी बहुत ही बड़ा नेटवर्क जो जमीन में होता है और वो चूंकि फूड उससे लेते हैं इसलिए वो हर चीज चाहे बैड चीज है चाहे गुड चीज है सारी चीजों को वो अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट को प्योर करते हैं और कई तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं इवन हैवी मेटल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और जिससे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर में रोल प्ले करते हैं। एक बुक है पीटर एमसी क्वाय, ये ऑथर है उस बुक के, रेडियल माइकोलॉजी एट्रिजी ऑफ द सीइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ विद फंजाई, मतलब ये बुक जो है इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत ही रिमार्केबल जो फंक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं फंजाई के उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने इसको डिस्कस किया है। मैं एक चीज, हम किस तरीके से ये जो मशरूम होते हैं वो हेल्प करते हैं नेचर को, आप ये देखिए नेचर में कम से कम 50 ऐसे मशरूम हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट डार्क में लाइट को रिमिट करते हैं और आजकल स्मार्ट सिटीज में इस तरीके के पेड़ों पे लगा करके और स्मार्ट सिटी में जो है इसको एज ए स्ट्रीट लाइट यूज कर रहे हैं। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे बहुत टेररिस्ट होते हैं वो क्या है नक्सलाइट्स होते हैं माइनिंग्स लगा देते हैं, चूंकि ये फास्फोरस बहुत लविंग फास्फोरस लविंग ये फंगस होता है तो ये चमकते हैं। तो नक्सलाइट अभी हमारी जो बहुत सारी जो DRDO है कई जो संस्थाएं हैं वो इसको जो है इंडिकेटर के रूप में यूज कर रही, जहां पे माइंस लगी है वहां इस तरीके के फंगस ग्रो होते हैं और उसे माइनिंग में मतलब पता करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लेकिन इसमें फिजिक्स इंजीनियरिंग सभी को मिला करके इसको और जो है रिसर्च करने इनोवेशन करने की जरूरत है जहां हम इसको कॉमर्शियल लेवल पे ले आए। इसी तरीके से आप ये देखिए जो फंगस है कई ये ग्रो कर रहे, स्लाइड यदि आप देखते हैं तो ये एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंट्री का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये कई चीजों के लिए जैसे आजकल होता है मीटलेस मीट्स मतलब जो वेजिटेरियन मीट्स है उसमें भी इस तरीके की चीजें को यूज कर रहे हैं। आप देखिए अभी दिल्ली में नोएडा से जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट जलता है उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो यदि आप मशरूम की बात करें तो कई मशरूम ऐसा होता है कि वो एग्रीकल्चर वेस्ट को इतना फास्ट जो है बायो कन्वर्ट करते हैं, वो यूजफुल प्रोडक्ट में करते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन होता है और लिग्निन बायोडिग्रेडिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे मशरूम में बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत जल्दी जो है उसको डिग्रेड कर सकते हैं जिससे जलाने की आवश्यकता नहीं होती और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसी ये आप देख लीजिए जो कंपोस्टिंग होती है जब मशरूम कल्टीवेशन करते हैं हम तो कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं और यदि आप वैसे भी जला देते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब हम कंपोस्टिंग करते हैं मशरूम की मदद से तो हमें जो हम मैन्योर भी मिलता है, बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, कई ऐसे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं ह्यूमन इकोनॉमी के लिए। इसी तरीके से आप देखिए आजकल कंस्ट्रक्शन ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम इंसुलेटर यूज करते हैं, इंसुलेटर जो है वो देखिए कई केमिकल से सिंथेटिक केमिकल से बनता है जो उसमें बहुत सारी पॉइजनस होते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेनर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसको इको एक्टिव बोलते हैं, उस कंपनी का नाम इको एक्टिव है। इको एक्टिव ने माइक्रोफोम बनाया, पॉलीथीन का जो अल्टरनेटिव इन लोगों ने बनाया और यही नहीं वो इंसुलेटर बनाया, उसका जो माइसिलियम है उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि उसमें बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं। नासा जो है आज
प्लांट्स की जगह जो है, प्लांट प्रोडक्ट की जगह जो है मशरूम प्रोडक्ट को लेकर के मून पे जो है घर बनाने की बात कर रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे इन्वेस्टर को, और उसको जैसे इको फ्रेंडली वे में हम कैसे, मतलब हम वातावरण को प्रदूषित ना करते हुए कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा सोचना और हम सब काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए माइसिलियम, ये देखिए नेटवर्क है, और इसी कारण से इसके बहुत जो केमिकल्स हैं हाइफा है उसे इंसुलेटर्स के काम में काम करते हैं, ये इंसुलिन के रूप में यूज हो सकता है। आज जो है पैकिंग मटेरियल है, ये जो इको एक्टिव कंपनी है, ये एक तरीके से अल्टरनेटिव जो है प्लास्टिक का लेके आई है, जो कि बिल्कुल ही जो डिग्रेडेबल है, माइक्रोफोम ट्रेडमार्क से इसको करते हैं। और आप देखिए चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो या आप देखिए ब्लॉक्स इंसुलेटर्स ब्लॉक्स होते हैं, ये जो है प्लांट्स की जगह दूसरी चीज प्लास्टिक की जगह ये अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। लेकिन इस पर अभी और भी रिसर्च की जरूरत है जहां हमको काम करना है। एक और चीज है जो आज पूरा वर्ल्ड जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे, कार्बन इमिशन पे से परेशान है, लेकिन आप यदि इसको डिटेल में पढ़ें तो इसका जो माइसिलियम फंगस का, चूंकि वो प्लांट से जुड़ा रहता है, वो दोनों दो तरीके का फ्लो होता है, अपर एंड लोअर दोनों ही तरीके से काम करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कार्बन रिडक्शन में इन मशरूम का बहुत बड़ा योगदान है। और खास तौर से ऐसी जगहों पे जैसे फॉरेस्ट एरिया जहां से इस तरीके की चीजें जनरेट होती हैं, वहां इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसी तरीके से आप देखिए प्लास्टिक ईटिंग, बहुत सारे यदि आप ये स्लाइड्स को देखते हैं तो देखिए जो प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पे बहुत सारे फंगस हैं, मशरूम खास तौर से, जो ऐसे एंजाइम बनाते हैं, वो एंजाइम जो है ये प्लास्टिक को बहुत जल्दी डिग्रेड करता है, बायोडिग्रेड करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन फंगस का उपयोग करके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्री फार्मुलेशन डेवलप करते हैं, तो हम इसको इन फंजाई इन मशरूम को यूज कर सकते हैं। माइक्रो रेपिडिएशन में आप ये देखिए, ये जो फंगस है मशरूम है ये व्हाइट रैट फंगस बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो है न्यूक्लियर वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है, कई हैवी मेटल्स आप देख, इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एक तरीके से आप देखें तो ये पूरा जो कंटिमिनेटेड सॉयल कंटिमिनेशन है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके और सॉयल को फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन से फ्री कर देता है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हेल्थ, जैसे मशरूम की आज बात चल रही है, आज COVID-19 से इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो इम्यूनिटी में क्या चाहिए हमको, अच्छा खाना चाहिए जिसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट हो, मतलब खाना कोई जरूरी नहीं है, केवल फूड इज नॉट नेसेसरी, हमको क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिटिव फूड चाहिए। तो मशरूम जो होता है उसमें न्यूट्रासिटिकल्स और न्यूट्रिसिटिकल, मतलब दोनों चीजें होती है, वो हमें फूड की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है और साथ में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि सारे केमिकल्स आप देखिए प्रोटीन से लेके अमीनो एसिड तक सारे इसमें मिलते हैं। आप इसको यदि कंपेयर करते हैं वेजिटेबल से, तो आप वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल आप देख लो, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, हार्ट के पेशेंट, कार्डियो जो वैस्कुलर डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें 96% जो है मॉइस्चर होता है और प्रोटीन जो है 26, मतलब 27% इसमें प्रोटीन होता है, कितना इंपॉर्टेंट, जबकि इसमें कैलोरीज जो है बहुत कम होती है 16 एंड कार्बोहाइड्रेट और फैट देखिए आप बहुत कम होता है। यदि आप इसको देखें तो कोई वैसा इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें चाहिए वो सब इसमें मिलते हैं। और यही नहीं, आज विटामिन डी, कोविड से लड़ने के लिए विटामिन डी की बात हो रही है, खासतौर से वेजिटेबल जो नॉन एनिमल फूड है जिसमें कि विटामिन डी मिलता है, वो सिर्फ मशरूम ऐसा है जिसमें हाई विटामिन डी कंटेंट होते हैं, और बहुत सभी कई विटामिन इसमें सी बी1 से लेके कई इसेंशियल विटामिन और अमीनो एसिड हैं जो कि इसमें मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बहुत यूजफुल हो सकते हैं। मशरूम जो है वो इम्यूनो सपोर्टिव है, फुल और एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इंफ्लामेटरी है, और ये हमारे ब्लड शुगर को, क्योंकि इसमें सोडियम कम होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर के लिए, शुगर को हाइपोग्लाइसेमिक जो पर्सन है उनको बहुत यूज करता है। खासतौर से इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन
एक माइसिलिन करके केमिकल होता है जो कि ब्रेन के जो नर्व्स हमारी होती है उसके इंसुलेटर का काम करता है, और कई ऐसी चीजें हमारी एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लें एंटीऑक्सीडेंट, कई ऐसे मशरूम हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, गैनोडर्मा आप जंगल में मिल जाता, अभी बारिश हो रही जंगल में जाइए तो गैनोडर्मा की पूरी हॉट स्पॉट्स ही पूरे पूरे बहुत सारे मिलते हैं। ये सारे आपकी एक्टिविटी जो है ये मशरूम बहुत कॉमन है, ये सब करते हैं। कई ऐसे मशरूम है आप देखिए उसमें कई मतलब एक तरीके से बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, और सारे के सारे जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गैनोडर्मा लुसिडियम की हम बात करें, इसके 100 प्रोडक्ट्स जो है हिमालयन जो ड्रग कंपनी, आप उसके वेबसाइट पे जाए तो आप देखिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इसी तरीके से आप देखिए जो नॉन एडिबल मतलब वाइल्ड फंगस है उनमें भी ये सारे केमिकल्स मिलते हैं, जो एडिबल 4-5 हैं आप उनको जो कल्टीवेट होते हैं उनके अलावा इनमें बहुत सारे मिलते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जो अभी मैं नॉन वेजिटेरियन मीट की बात कर रहे थे, इसका जो माइसिलियम है इको एक्टिव जो उन्होंने डिजाइन किया है बिल्कुल मीट जैसे पीसेज को उन्होंने डिवाइस किया है टेक्नोलॉजी से, और उसको जो है नॉन जो वेजिटेरियन है मतलब जो खासतौर से वेजिटेरियन पीपुल्स हैं उनके लिए ये बेयर्स जो मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत यूजफुल इसको टेस्ट किया है और हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए माइसिलियम केवल फ्रूटिंग बॉडी नहीं बल्कि माइसिलियम में कई ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो कि डायरेक्ट हम फर्मेंटेशन से और स्टरलाइज करके हम इसको कर सकते हैं ले सकते हैं। यही नहीं आप देखिए जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उससे कितने प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब से जो एक कैंसर ट्रेन चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए आप देखिए एंडोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा ये दो तरीके के जो मशरूम होते हैं वो पौधों के साथ मिलकर जंगलों में जो पौधे लग रहे हैं आप देखिए उन्हें खाद नहीं मिलती लेकिन वो इनके कारण ये बायो फर्टिलाइजर फास्फेट सॉल्युबलाइज करते हैं और अल्टीमेटली वो जो सप्लाई करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट। एक्टोमाइकोराइजा आप देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से वो काम करता है। इसी तरह ये हम लोगों ने अभी एक बालाघाट में एक मशरूम मिलता है जिसको बांस पीहरी बोलते हैं कैंथ्रेलस, ये कोई आर्टिफिशियल ग्रो नहीं करता ये सिम्बियोटिक है, लेकिन जबलपुर में हमारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में इसकी एक कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कभी समय डिटेल्स में मिलेगा तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिया हुआ है पेटेंट करने के लिए उसको कॉमर्शियल करने के लिए। और ये सिम्बियोटिक जो फंगस होते हैं जो नेचर में केवल पौधों के साथ ग्रो कर सकते हैं उनके लिए हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए आजकल पेड़ ना कटें उनको बचाने के लिए फंगल जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको पेपर के तरीके से यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जिससे कि पेपर जो है उससे डायरेक्ट बनाया जाए चाहे वो न्यूज़पेपर है या दूसरे है, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है इंग्रेडिएंट और इसमें लिग्निन होता है बहुत हाई लिग्निन होता है जिसके कारण इसको आजकल यूज कर रहे हैं। यही नहीं कई ऐसे पॉइजनस मशरूम है जिसको पास्ट में भी टेररिस्ट ने एज ए बायो वेपन यूज किया है, हमको इसको इनकाउंटर करने के लिए भी रिसर्च करने की जरूरत है, हमें डेवलप करने और उसको जो है खासतौर से एमिटाफिलाडिस इसको एंटी टेररिज्म वो तैयार करने के लिए। ये गैनोडर्मा लुसिडम आपको देखिए जो ये जो फंगस है इसके जो है कम से कम 100 प्रोडक्ट जो है बहुत कॉमन है इंडियन एटमोसफियर में जंगलों में फॉरेस्ट में बहुत कॉमन है। दूसरा ये फंगस कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस आप ये देखिए जितने भी हेल्थ टॉनिक हैं उसमें इसके कंपोनेंट मिलते हैं और इसका जो है मशरूम 1,00,000 रुपए पर केजी के हिसाब से भी सप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि ये कैटरपिलर जो इंसेक्ट होते हैं उस पर ग्रो करता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूथ है यदि इस तरीके के फंगस को ग्रो करके और टेक्नोलॉजी लाए तो कितना उसमें इकोनॉमिकल और ये सारी चीजें यूज होता है। कुछ ऐसे मशरूम है 150 मशरूम जो है वो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं जिसको हमने और हमारे विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट किया है और इसको आइडेंटिफाई किया है। ये जो फंगस कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोग भी देखते होंगे जंगलों में देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जंगलों में मिलते हैं बहुत, इनके बहुत यूज हैं, लेकिन जरूरत ये है कि हमारा जो यूथ है हमारा जो रिसर्चर है वो आगे आ करके और इन सब को
कॉमर्शियल लेवल तक इनोवेशन इनकी मास प्रोडक्शन और सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करे तो शायद ये नेचर में। मशरूम के साथ में एक दिक्कत होती है कि इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, जल्दी से ये पेरिसेबल होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आज जो है उसका अल्टरनेटिव तरीके से आप देखिए कई रेसिपी बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, कई ऐसी सूप जो है मशरूम सूप है कि उसके इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। आप ये देखें ये सेफ इसलिए है कि ये ट्राइबल इसको पूरा टेस्ट किया हुआ है। ट्राइबल मार्केट में आप जाइए, ये हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सारी ट्राइबल मार्केट में विजिट किया है। हम लोग वहाँ 10 दिन पड़े रहते थे और ये सारे वहां से डॉक्यूमेंटेशन किया है। आप देखिए ये मार्केट में मिलता है जैसे सब्जी मिलती है, इसी तरीके से आप देखिए ये मिलता है मशरूम कल्टीवेशन। आज हम बात करें हमारे माइग्रेंट्स जो है शहरों से गांव में गए, खासतौर से पढ़े लिखे जो यूथ हैं, उसको यदि मशरूम कल्टीवेशन लार्जर वे में करते हैं तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और ये खासतौर से जो ग्रामीण हैं उनके लिए एक इनकम का सोर्स भी होता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको यूज करके अच्छे से अच्छा जो है मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। एक और इसमें आप देखिए मशरूम का स्पान ही इंडिया में 8 से लेकर 10,000 टन जो है इसकी खपत जो है मशरूम स्पॉन की है और एक बॉटल स्पॉन बनाने में हार्डली 100 रुपए भी नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए में बन जाता है और ये जब बिकता है तो 400-500 रुपीज पर केजी या इस तरीके से स्पॉन बिकता है। कितना इंपॉर्टेंट, और साथ में यदि हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो हमारा कई तरीके से जो है पॉल्यूशन खत्म होता है, क्योंकि एग्रो वेस्ट जलाते नहीं है जिससे पॉल्यूशन होता है और वो हमको यूज में ला सकते हैं उसको, और कई उससे और भी जैसे सिंगल सेल प्रोटीन बना सकते हैं एग्रो वेस्ट को यूज करके, खाद बना सकते हैं। तो ये जो है मशरूम कल्टीवेशन एक अच्छा जो माइग्रेंट्स हैं खासतौर से रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन उसमें आवश्यकता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको कार्य करने की। आप देखिए मशरूम की जो ग्रोथ है यदि आप कंपेयर करें तो पिछले 5 सालों में फ्रूट की केवल 16% ग्रोथ हुई है, फूड ग्रेन की 10.8% हुई है, वेजिटेबल 12%, लेकिन आप मशरूम देखें, मशरूम जो इंडस्ट्री और प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है 2665 इतना जो है परसेंट इसमें ग्रोथ हुई है। इसलिए मशरूम जो है एक तरीके से हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी खासतौर से माल न्यूट्रिशन है और खासतौर से जो ग्रामीण आजकल आए हुए हैं जिनको प्रोटीन शॉर्टेज है, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम है, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। बायोडायवर्सिटी है, मैं ये स्लाइड आपको स्पेशली दिखाना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कैसे किया है, ये भारतीय संस्कृति के से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ ये स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम लोग शिव की पूजा करते हैं, आप देखिए शिव भगवान का जो परिवार है, परिवार में देखिए तो आप उनके एक दूसरे से विरोधी होते हुए भी कितना अच्छा सामंजस्य वहां पे स्थल, जैसे गणेश जी का जो है चूहा, सांप, पिकॉक और बुल और लॉयन, ये सारे जो है लेकिन उनके परिवार के सदस्य इसको, ये एक संदेश देता है कि हमको संतुलन बनाने में, सामंजस्य बनाने में, समाज में हमें सामंजस्य बनाएंगे, प्रकृति और मानव के बीच में एक सामंजस्य बनाएंगे। ये भी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हमारे जो युवा हैं, ये आवश्यकता है कि हम एक तरीके से एक सामंजस्य बनाएं। मैं ये स्लाइड खासतौर से जो हमारे नए बच्चे एंगेस्टर जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो रिसर्चर है केवल वो रूम के अंदर बैठ के काम करना चाहता है और केवल वो लैब में भी जब जाता है तो लैब अटेंडेंट से काम कराने के लिए यूज होता है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेंसिलिन में नोबेल प्राइज मिला, वो खुद अपना लैब साफ करते थे, अपनी प्लेट साफ करते थे, जिसके कारण कि उनको नोबेल प्राइज मिली। एक टेक्निकल असिस्टेंट लैब अटेंडेंट उसको फेंक देगा, लेकिन एक रिसर्चर, एक कमिटेड रिसर्चर जो है वहां पे उसकी एक तरीके से सोच में अंतर आएगा। इसलिए मैं खास तौर से जो नए रिसर्चर हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जब लैब में ज्वाइन करते हो, लैब की सफाई करना, लैब का खुद का काम, आत्मनिर्भर बनना, मतलब रिसर्च की सबसे बड़ी जो
एक स्ट्रेंथ है वो आपको खुद को काम करना है, और आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के रिसर्च नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि आज हम रिसर्च में पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है खुद अपना काम न करके दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेबर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमको खुद को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक कमिटेड रिसर्च इनोवेटिव एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो शायद हम लोग जो है बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। और ये स्लाइड भी आप केमिस्ट्री के लोग देखें कि हमेशा एक्सीडेंटल जो रिसर्च होती है, जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं सब एक्सीडेंटल होते हैं, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो भी एक्सीडेंटल रिसर्च हुई है। तो यदि हमारे साइंटिस्ट यदि कमिटेड नहीं होते, वो वहां पे मिल करके काम नहीं करते, अपना खुद काम नहीं करते, तो शायद उनको ये चीजें नहीं मिल सकती थी। इसी तरीके से आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल होती है लेकिन थाउजेंड्स प्रोडक्ट वो बनाती है। जितना भी हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर लें, लेकिन एक माइक्रोबियल सेल जो होता है उसको भी काम को हम नहीं कर पाए। ऐसी जगह में हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस को बायोडायवर्सिटी में रियलाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितने भी रोड मतलब डिस्टर्ब हो रहा हैबिटेट्स, उसके कारण जो है माइक्रोब्स भी कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे गुम हो रहे हैं। और शायद COVID-19 के बारे में यदि आप देखें, यदि हमने वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया होता, हैबिटेट्स को डिस्टर्ब नहीं करता, तो चमगादड़ जो है ह्यूमन इन्वेटिंग एरिया में नहीं आते, जिसके कारण कि आज हम बहुत प्रॉब्लम है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जितने लोग सुन रहे हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि आप सभी लोग आज संकल्प लें कि हम कम से कम पर्यावरण में प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन बनाने के लिए हम आज कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ा होता है, एक बूंद से जो समुद्र भरता है, आज हम छोटा छोटा काम करेंगे तो हमको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारा पर्यावरण संरक्षण मजबूत होगा, और हमको अपनी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए, दूसरे को नहीं हमें अपनी रेस को बचाने के लिए बहुत बहुत फायदा होगा उससे। आज चूंकि समय कम है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से इसको नहीं बता पाया, मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि कभी कोई ऐसी चीज है तो वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे, और कभी मौका मिला तो IAS विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके चांसलर प्रो चांसलर को और उनके सारे मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमको मौका दिया कुछ चीजें रखने का। थोड़ा समय की कमी है इसलिए हम लोग जैन भाई साहब को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछे, नहीं तो फिर धन्यवाद। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंफॉर्मेटिव सेशन सर। सर यू हैव एनलाइटन अस विद रिगार्ड्स टू मशरूम फंगाई एंड रोल ऑफ विटामिन डी, हाउ वी कैन गो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, बिकॉज नाउअडेज यूथ कैन गो फॉर और यूथ कैन बी अ एंटरप्रेन्योर इन दिस फील्ड। You told about the anti-inflammatory, antioxidant activity of this mushroom. So we can definitely use these mushrooms because it has a great importance with respect to its immunity boosting property. So nowadays we can use our biodiversity to combat with the COVID situation. Sir, once again, thank you very much for your enlightening session. Thank you, sir. Thank you. Now, we have with us our keynote speaker of the session, Sri Jayant Sasabuddhi sir, currently designated as a National Organizing Secretary of Vigyan Bharati Madhya Pradesh. Sir has completed his BTech from IIT Mumbai and has served as the Kshetra Pracharak for a long time. He has spent more than 20 years in Sangh for Society Welfare. Sir is a strong advocate of Swadeshi Vigyan Andolan. Sir believes in the concept of science for the masses and propagates efficient use of science and technology for the benefit of the society. Sir has put in efforts to reinvent the traditional way of dealing with technological science. We are highly obliged to witness your presence, sir. Sir, may I request Sir Shri Jayant Sasabuddhi sir to kindly address the session. Sir, please, sir. Over to Jayant sir. Sabhi ko namaskar. Sir, namaskar, sir.
इस संगोष्ठी में जो महानुभाव विद्वज्जन पधारे हैं, सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। और इस संगोष्ठी में श्रोता बनकर जो सहभागी हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। आज का दिन ये विश्व पर्यावरण दिन है। 1974 में पहली बार इस दिन को मनाया गया, लेकिन एक बृहत रूप से 1987 से पूरे विश्व भर में इसको मनाने का विचार प्रारंभ हुआ और वर्तमान में लगभग 150 से अधिक देशों में इस पर्यावरण दिन को मनाया जाता है। पर्यावरण दिन एक ऐसा मंच हम सभी के लिए उपलब्ध हुआ है जिससे हम पर्यावरण के बारे में जागृति निर्माण कर सकते हैं और उसके साथ साथ जागृति के साथ कृति भी आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या आचरण होना चाहिए उसके बारे में भी समाज को जागृत करने के लिए एक मंच तथा अवसर इस पर्यावरण दिन के नाते पूरे विश्व में हम सभी को प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिन के साथ एक संकल्पना जोड़ी जाती है, जैसे इस वर्ष जैव विविधता इस संकल्पना को जोड़ा गया है। और उसका मूल रूप से कारण ऐसा है कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सृष्टि के अंदर यानी इस पृथ्वी के ऊपर जहां पर जीव या चेतना युक्त इस प्रकार का कुछ सजीव इस प्रकार का एक प्राणी उपलब्ध हो सकता है, ऐसे स्थान पर लगभग 80 लाख के आसपास विविध प्रकार की जातियां उपलब्ध है। लेकिन एक संकट ऐसे आया है कि हाल ही में भविष्य में शायद एकाध दशक में 80 लाख में से 10 लाख जातियां ये मिटने की कगार पर है, ये समाप्त होगी, खत्म होगी। इस प्रकार का एक बड़ा डर अब निर्माण हुआ है। इसके कारण ये माना गया कि जैव विविधता को लेकर हमें पूरे विश्व में सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है और इसलिए इस वर्ष ये जैव विविधता इस कल्पना को लेकर पूरे विश्व में यह पर्यावरण दिन मनाने की सोच निश्चित हुई। हम सब जानते हैं कि अपना सारा जीवन जो है इस जैव विविधता के कारण ही बहुत अच्छी प्रकार से विकसित होता है। अगर एक प्रकार की एक समानता अगर इस पूरे प्रकृति में रहेगी तो इस जीवन के अंदर आनंद नहीं आएगा। विविधता के कारण हम सुनते हैं कई प्रकार के मधुर आवाज, बहुत ही रुचिकर रुचिपूर्ण इस प्रकार का पदार्थों का सेवन भी हम कर सकते हैं, कई रंग हम देख सकते हैं। इस प्रकार की विविधता होने के कारण ही जीवन के अंदर एक आनंद आता है और एक जीवन की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मन के साथ साथ अपने शरीर को भी कई प्रकार के लाभ होते हैं, वो इस जैव विविधता के कारण ही प्राप्त होती है। हम जितने कपड़े पहनते हैं वो भी जैव विविधता के कारण हमें मिलते हैं। कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण हम करते हैं जिसके कारण अपने जीवन को हम सुविधा युक्त बनाते हैं। ये सारे पदार्थ भी हमें इस जैव विविधता के कारण प्राप्त होते हैं। तो जैव विविधता का अपने भौतिक जीवन में भी बहुत बड़ा एक उपयोग है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इसी के साथ साथ और एक मनुष्य के जीवन को केवल भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे आधुनिक विज्ञान उसी को केवल मानता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के अंदर एक प्रकार के दर्शन की भी आवश्यकता रहती है, एक विचार सोच इसकी भी आवश्यकता रहती है। और हम सब जानते हैं कि केवल एक ही विचार अगर इस समाज में रहेगा तो समाज के लिए वो हानिकारक होता है।
विश्व में ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे जहां पर एक अनियंत्रित इस प्रकार की हुकुमशाही ऑथोरिटेरियन इस प्रकार का एक राज जिस समाज में चलता है वहां का समाज दबा हुआ समाज रहता है। वहां पर स्वतंत्रता नामक किसी भी समाज के जीवन का जो मूल्य रहता है उस समाज में नहीं रह पाता। तो जो विविधता है इस प्रकृति के अंदर वो हमें क्या सिखाती है कि इस विविधता का सम्मान करना चाहिए, और ये केवल सम्मान करना नहीं तो उस सम्मान को अपने जीवन के अंदर उतारना, यानी हर व्यक्ति की हर इस जगत के अंदर जो चेतना युक्त इस प्रकार का पदार्थ है उसकी स्वतंत्रता को मान्य करना, लेकिन उसके साथ साथ सहजीवन कैसा हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको भी सीखना। तो इस प्रकार का एक बड़ा सांस्कृतिक दर्शन हमें इस जैव विविधता के कारण उपलब्ध होता है, और जिसके कारण ही अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती है। और विशेषकर अपने देश में, जिसके लिए अपना देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अपना देश एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन इस विविधता के अंदर भी एक एकत्व का सूत्र हमें मिलता है, और ये सूत्र भी इस प्रकृति को देखकर हमने ये समझ लिया कि यही प्रकृति का एकमात्र नियम है विविधता, और इस विविधता को अपनाना चाहिए और उसी के साथ अपना जीवन चलाना चाहिए। लेकिन विविधता के अंदर एक बड़ी बात रहती है कि विविधता के अंदर हर पदार्थ को अपना जीवन चलाने के लिए स्वतंत्रता रहती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का जीवन भी अच्छा चले इसके लिए सहयोग करने की भी सीख इस प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इस जैव विविधता का मनुष्य जाति के जीवन पर भी बहुत बड़ा परिणाम होता है, उससे कई बातें हम सीखते हैं, और इन सारी बातों के कारण मनुष्य का जीवन एक उन्नत सुखमय इस प्रकार जीवन बनता है। इसलिए जैव विविधता का मनुष्य के जीवन में, समाज के जीवन में, किसी भी देश के जीवन में और समूचे मानव जाति के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम सभी ने समझना चाहिए। आज हम एक विशेष संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस नोवेल कोरोना वायरस के कारण अब सामने आ चुकी है। एक प्रकार से लगभग 1875 में अमेरिका में आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो देश है जहां पर आधुनिक विज्ञान का सबसे अधिक विकास हुआ है, और उसके कारण वहां जीवन भी सर्वाधिक विकसित है ऐसा विश्व भर में लोग मानते हैं। वहां पर अमेरिका में 1975 में एक बात की घोषणा की गई, वो बात ऐसी थी कि अब विज्ञान के अंदर जो प्रगति हुई है उसके कारण अमेरिका में और शायद विश्व में भी संक्रामक रोग नाम की ये जो बात है वो अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर ही रह जाएगी, ऐसी स्थिति हमने प्राप्त की है। यानी हम देखते हैं कि ये जो घोषणा थी या ये जो कथन था वो कितना खोखला निकला। इसके बाद गत 10 वर्ष और उसके भी थोड़ा पूर्व का हम विचार करेंगे तो हम जानते हैं कि इस विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोग आते ही रहे, चलते ही रहे, और अपने कई मनुष्य जाति में लोगों को ऐसे संक्रामक रोगों ने समाप्त किया, उनका जीवन उध्वस्त किया, और उसी के उस चलते हुए हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि वो केवल एक सीमित क्षेत्र तक संक्रामक रोग नहीं रह पाया तो एक वैश्विक महामारी का रूप उसने ले लिया। इस बात को लेकर आज हम एक इन बातों का सामना कर रहे हैं, इस चुनौती के साथ जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक ही इसी दौरान ये जो विश्व पर्यावरण दिवस आया है और उसी के साथ साथ जैव विविधता को कल्पना को लेकर उसको मनाने जा रहे हैं, तो इसका संदर्भ क्या है ये बात भी अपने मन में अवश्य आती है।
एक कई प्रकार की अपने आधुनिक जीवन की अगर कुछ बातों की ओर हम देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो एक बात ध्यान में आती है कि आधुनिक विज्ञान और उसके आधार पर जो तंत्र ज्ञान यानी प्रौद्योगिकी विकसित हुई, उसमें से एक बात ध्यान में आई जो निरीक्षण हम सभी का है कि एक ही प्रकार की बातें समूचे विश्व में निर्माण करने का प्रयास किया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि गोवा में मैंने कई सारे हैं और गोवा की प्रकृति और उसका सौंदर्य बड़ा लुभावना है, विश्व भर के लोग उसको पसंद करते हैं। तो वहां कुछ ऐसे समुद्र तटीय है जिसमें लोग हैं, तो वहां पर जो कुछ विदेशी लोग आए, उन्होंने एक समाचार पत्रों के कुछ प्रतिनिधियों को एक जानकारी बताई कि शायद अगले वर्ष से हम गोवा में नहीं आएंगे। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं आएंगे, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा हमारे देश में जिस प्रकार से घर बनते हैं, जिस प्रकार से सड़कें बनती है, जिस प्रकार से वाहन चलते हैं, वही सारी बातें लगभग उसी की न करते हुए सारी आपके यहाँ गोवा में बन गई, वही सारी बातें गोवा में आकर देखना है। तो गोवा में आने की विशेषता मतलब मनुष्य पर्यटन के लिए भी अपने निजी जीवन में रूप से जो उसे अलग अलग रंग इन सभी को समझने के लिए कि आधुनिक विज्ञान के चलते एक ही प्रकार के शहर बसते चले हैं। मैं मूलतः मुंबई का रहने वाला हूं, अपने देश में स्मार्ट सिटीज की कल्पना आई तो बात यह निकली कि क्या मुंबई का न्यूयॉर्क हो सकता है, यानी पूरे विश्व में एक ही शहर बनने चाहिए, यह आधुनिकता की कल्पना है। उसमें विशेष शब्द उपयोग में लाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ बातें आधुनिक विज्ञान की विशेषताएं मानी जाती है। लेकिन आज ये बात ध्यान में आ रही है कि इस प्रकार का एक स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक प्रकार से जिसको अंग्रेजी में कहना है तो मोनोकल्चर पूरे विश्व में अब विकसित हो रहा है और उसके चलते कई प्रकार के ऐसे संकट अब सभी के सामने आने लगे हैं। ये बात आधुनिक विज्ञान के जो लोग हैं उन्होंने ही अब स्वीकार की है। जैसे इस महामारी के दौरान एक बात बड़ी नई रूप से उभर कर सामने आई, वो ऐसी थी कि अगर जैव विविधता बची रहती और जैव विविधता में सब प्रकार की बातें आते विविधता के अंदर कि अपने घर भी कैसे हैं, अपने सड़कें भी कैसे हैं, सड़कें और उनकी आसपास लगाए गए वृक्ष पेड़ कैसे हैं, तो इन सारी बातों को समझना चाहिए इसमें। तो एक बात ध्यान में आई है कि विश्व भर में एक ही प्रकार की बातें निर्माण करने का जो एक विचार सबके मन में आया है, उसके कारण इस मोनोकल्चर के कारण इस बीमारी का फैलाव बहुत ही गति से हो सका। अगर जैव विविधता बनी रहती तो ये जैव विविधता निश्चित ही बाधा निर्माण कर सकती और उस बाधा के कारण ही इसका फैलाव हम रोक सकते थे। इस बात की सब प्रकार की पुष्टि अब विज्ञान के आधार पर हो रही है। इसको हमने समझना चाहिए कि इस जैव विविधता का इस प्रकार की महामारी में कितना बड़ा महत्व था, लेकिन जैव विविधता को हमने जीवन शैली के कारण, क्योंकि हमें सब प्रकार की सुविधा चाहिए। जैसे इस प्रकार का एक संवाद आज हम कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठकर, अपने अपने स्थान पर रहकर, इसके लिए बिजली की आवश्यकता है,
लेकिन बिजली का उसका बहुत ही कम लोग अनुभव करते हैं, या इस बात का मन को स्पर्श भी कई लोगों को होता नहीं। अभी अभी कुछ समय मैंने एक बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन समझने का प्रयास किया। वो ऐसा था कि अब हम विकास की कल्पना जब करते हैं तब हम समझते हैं कि हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, हर गांव तक बिजली जानी चाहिए। विशेषकर अपने देश के बारे में विचार करना है तो इस बात को लेकर हम बड़ी चिंता करते रहते हैं और उसी को एक विकास का मानक समझते हैं। अब ये बात सामने आई है कि पूरे विश्व में जो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए उनके द्वारा पृथ्वी के चित्र निकाले गए, उसमें से एक बात क्या सामने आई, इस पृथ्वी के ऊपर दिन और रात एक निश्चित वारंवारिता के साथ चलते थे। उसमें थोड़ा कम ज्यादा होता था, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो इस समय का दिन बड़ा है, 21 जून तक ये बढ़ता रहेगा और फिर कम होता जाएगा। तो इस प्रकार की बात तो अनुभव करते हैं रोज के जीवन में, नित्य के जीवन में। उसके कारण ये जो दिन और रात होती है, हमने बिजली के कारण जो उजाला निर्माण किया, अंधेरे में भी उजाला हमने निर्माण किया, उसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर जो अंधेरा था वो अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और केवल अंधकार न होने से पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार की जातियां ये नष्ट हो रही है। अभी इस बात की कल्पना ही किसी ने नहीं की थी, यहां तक कि अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के पाचन क्रिया जो होती है अन्न को ग्रहण करने के बाद, उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सूक्ष्मतम इस प्रकार के जीव रहते हैं, अंग्रेजी में जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबायोम कहा जाता है, ये माइक्रोबायोम भी, सूक्ष्म जीव भी उजाला और अंधेरा इस पर निर्भर रहते हैं, अवलंबित रहते हैं। जैसे सूर्यास्त हो जाता है अंधेरा होता है तो वो भी निष्क्रिय होते हैं, और सूर्यास्त के साथ ये सारे सूक्ष्म जीव शरीर के की जो पाचन क्रिया है वो सुचारू रूप से चलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उनको अंधेरे में यानी सूर्यास्त के बाद भी कृत्रिम उजाला दीपों के कारण उनको सक्रिय रखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उनको उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, साइकिल है, उसमें बाधा डाल रहे हैं। इस बाधा के कारण, यानी आजकल हम रात को 11 बजे भी भोजन करते हैं और कई लोग उसमें ही बड़प्पन मानते हैं, और इसमें ही हमें आनंद आता है कि अपना जीवन कितना आधुनिक बन गया। अंधेरे के ऊपर भी हमने मात कर ली, अंधेरों को भी हरा दिया हमने, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है ये आज धीरे धीरे सामने आ रहा है। और ये उजाला 24/7 ऐसा हम कहते हैं बड़े सम्मान के साथ कि हर गांव को 24/7 बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन परिणामतः उसका क्या हम समझ रहे हैं अभी कि इस पूरे सृष्टि के अंदर जो जैव विविधता है, शरीर के अंदर भी अपने जो सूक्ष्म जीव है, इस उजाले के कारण गुमराह हो रहे हैं, उनकी क्रियाओं में बाधा हम डाल रहे हैं, और उसके कारण अपने स्वास्थ्य को हम धीरे धीरे बिगाड़ रहे हैं। कई प्रकार की बातें अस्वास्थ्य की अपने शरीर के अंदर निर्माण हो रही है, जिसका कारण भी समझना आज निश्चित नहीं ध्यान में आ रहा है अच्छी तरह से, लेकिन शरीर में जो नए नए रोग निर्माण हो रहे हैं उसका कारण ये माना जा रहा है कि हम अपने शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको उजाले के साथ रखते हैं अधिक समय तक, उतना उनको उजाला नहीं चाहिए, वो काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यानी शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं चलती है उनके ऊपर भी इसका क्या परिणाम होता है उसको अभी आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। ये सारी वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बातें हैं, इसको हमें समझना चाहिए, जिसके कारण इस प्रकार की जो भविष्य के अंदर भी बातें आने वाली है संकट के रूप में, चुनौतियों के रूप में, उसको अगर ठीक उसका सामना करना है तो वर्तमान जीवन की, जिसको हम आधुनिकतम जीवन ऐसा कहते हैं, सुविधापूर्ण, सुविधाओं से युक्त ऐसा जीवन कहते हैं, उसकी ये जो सारी अन्य बातें हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए और जैव विविधता
अपने जीवन शैली के कारण कैसे आहत हो रही है, इसका विचार मुख्य रूप से आज के दिन करना है। ये हमारे केवल जीवन के हर पहलू को आज उसका आघात पहुंच रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके कारण कई प्रकार की नई बातों का सामना वर्तमान में तो हम कर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ इस प्रकृति के अंदर जो जैव श्रृंखलाएं हैं, कितनी प्रकार की वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट बायोलॉजिकल साइकल्स एग्जिस्टिंग इन दिस नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल दीज बायोलॉजिकल साइकल्स आर ग्रेजुअली कोलैप्सिंग एंड इट्स अ ग्रेट थ्रेट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ डिफरेंट साइकल्स इन नेचर। हम इस बात को ठीक प्रकार से समझे और हमें आगे बढ़ना है। अब स्वाभाविक ही विचार आता है कि ऐसी चुनौती भरी एक जो बातें आ रही है उसका सामना कैसे करें हम। तो सबसे पहला इसका सामना करने का जब विषय आएगा तब प्रथम बात जो आएगी वो तो ये है कि हमने अपने जीवन शैली को फिर एक बार पुनर्विचार की दृष्टि से देखना चाहिए, उसका पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए। वी नीड टू रीविजिट एंड रीलुक अवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल विच इज अ काइंड ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स। लेकिन हमें इसका विचार करना पड़ेगा कि क्या ये सही है। एक आधुनिक विज्ञान में और एक बात जो बड़े संकट के रूप में सामने आ रही वो ये है कि इसके चलते एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है कि बीमार होने के बाद ही आधुनिक विज्ञान बीमारी के बारे में विचार करना प्रारंभ करता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की बीमारी न आए इसके लिए अनुसंधान नहीं हो रहा, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर अखिलेश जी पांडे जी के कथन में आया कि हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, that is to increase our immunity levels of our body. अगर इसको करना है तो इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। कैसे अनुसंधान करेंगे? इसका विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की बीमारी ही न आए। जैव विविधता अगर बनी रहेगी तो ऐसी बीमारियों को हम निश्चित रूप से रोक सकते हैं। रोक सकते यानी केवल उनका फैलाव ही रोक सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ये बीमारियां नहीं आए इसलिए जैव विविधता को बचाना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसको हमें ठीक प्रकार से अब समझना चाहिए। और जैसे मैंने उल्लेख किया प्रारंभ में कि 80 लाख में से 10 लाख जाति प्रजातियां अब समाप्त होने की कगार पर है, उनको कैसे बचाना। इसमें से कई ऐसी बातें हैं, कई जाति प्रजातियां ऐसे हैं कि जो इंद्रिय को दिखती नहीं है, इंद्रियों के द्वारा उनकी संवेदना हम नहीं कर सकते, लेकिन वो जीवित, उनका अस्तित्व इस सृष्टि के अंदर है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कोरोना कोई देख नहीं सकता, अपनी आंखों से देख नहीं सकता, उसका आवाज कोई सुन नहीं सकता, ना उसके स्वाद को कोई चख सकता है। इसका मतलब है अपने इंद्रियों के परे भी जो जीव जंतु इस सृष्टि के अंदर अस्तित्व में है उनका भी विचार करना, उनके अस्तित्व को भी खतरा निर्माण न हो इसकी चिंता करना, ये इस प्रकार की बीमारियों से बचने का एक सरल उपाय है। इसलिए जो नई बातें अब सामने आ रही है, जो बातें अब हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि इस प्रकार की बीमारियां न आए इसके लिए हमने जैव विविधता को किस प्रकार से बचाकर रखना है और उसके लिए अपने जीवन शैली के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन लाना है। आजकल एक महत्वपूर्ण बात जो आई है, अगर इस जलवायु परिवर्तन और उससे निर्मित जैव विविधता का क्षरण आदि जो समस्याएं आई है उसका अगर ठीक सामना करना है तो हमें एक बात अपने जीवन शैली में वापस लानी पड़ेगी, यानी अपने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन चलाना। अंग्रेजी में जिसको कहा गया कि How to live in harmony with nature? इसको केवल बुद्धि के स्तर पर समझना इतना ही आवश्यक नहीं है, तो प्रत्यक्ष कृति में उसको लाना, अपना आचरण जीवन में उस प्रकार का बने, इसके लिए प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता है और इसके बारे में बहुत गहराई से हम सभी को सोचना चाहिए।
कई प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी आत्मनिर्भरता के बारे में बात चली। अपने देश में स्वावलंबन ये तो बहुत पूर्व से आई हुई एक विचार या सोच है। आत्मनिर्भरता किसके लिए? सभी के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के परिवार के लिए। परिवार जिस गांव या आसपास के गांवों के समूहों का अंग है उसके लिए, समाज के लिए, देश के लिए आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता के कारण प्रदूषण कम होता है और प्रदूषण कम होने से जैव विविधता बचती है। जैसे कोई एक गांव एक आत्मा आपके गांव में ही अपनी आवश्यक जितनी ऊर्जा बना पाएगा तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी तारे खींचकर उस गांव तक, उसी प्रकार से वाहनों के द्वारा ऊर्जा उन गांवों तक पहुंचाना, इसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। गैस सिलेंडर हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाना, इसमें, इसके वहन में, यातायात में कितना बड़ा प्रदूषण होता है। और उसी प्रकार से हमने अपने अन्न को भी परिवर्तन के स्थिति में लाया। यानी मैं समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूं, वहां तो लोग भात यानी चावल ही खाते थे, लेकिन लोगों को बताया गया कि नहीं नहीं आपका मधुमेह ठीक करने के लिए आपने गेहूं खाना चाहिए। और गेहूं कहाँ से आता है? पंजाब से आता है। तो कितनी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके कारण कितना कार्बन एमिशन होता है। ऐसी छोटी छोटी सारी बातों को समझना चाहिए। आत्मनिर्भरता यानी मेरे परिसर के अंदर जो बात उपलब्ध है, यानी जिसको कहते हैं थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल, इस प्रकार की बातों को हमें सीखने की आवश्यकता है। हर बात का शेल्फ लाइफ बढ़ना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आधुनिक विज्ञान ऐसा कहता है कि वन शुड कंज्यूम लाइफ ऑफ फूड। लाइफ मींस फ्रेशनेस ऑफ दैट फूड। हम एक सेब खाते हैं, न जाने वो अपने पेड़ से कितने महीनों पहले उतरा है, हमें पता ही नहीं। मैं घूमता रहता हूं तो कश्मीर जाने का भी मुझे अवसर आता है, और वहां पर जो सेब मैं खाता हूं उसकी मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता कि भोपाल या मुंबई जैसे स्थान पर जो सेब खाते हैं वो एकदम रुचकर रहता ही, उसमें रुचि ही बचती नहीं, उसमें रस नाम की कुछ बात बचती नहीं। लेकिन उसको वहां से लेकर यहां तक लेकर आते हैं और हर घर में अब सेब खाने लगे लोग। कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, और अपना स्थानीय फल जो उपलब्ध है उसको अनदेखा कर रहे हैं। सारी बातों का विचार करना चाहिए, अपनी जीवन शैली का विचार, यानी ऐसी सारी छोटी छोटी बातों का विचार हमें करना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी खाने लगे हम, 12 महीने एक ही प्रकार की सब्जी मिलती है, लेकिन आज क्रोनोबायोलॉजी नाम का एक विषय आया है। विविधता जो है ना, वो विविधता यानी केवल वस्तुओं में नहीं है, ये समय के अंदर भी विविधता है। जैसे अभी वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ, जब अपना नया वर्ष प्रारंभ हुआ अपने देश में, चैत्र और वैशाख दो मास वसंत ऋतु था, और जैसे ज्येष्ठ मास प्रारंभ हुआ वैसे हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्रवेश कर गए, और ये ज्येष्ठ और आषाढ़ समाप्त होगा तो वर्षा ऋतु में प्रवेश करेंगे। जो रंग बदलते हैं ऋतु के अनुसार, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। तो ये विविधता भी हमें समझनी चाहिए और उसके अनुसार अपना खानपान बदलना ताकि अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। ऐसी कई प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है, और उसी के अंदर एक आत्मनिर्भरता, अपने जीवन के अंदर स्वावलंबन लाना और अपने जीवन को उन्नत बनाना, इस प्रकार की बातें हम इसके आधार पर सीख सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की बातें अवसर के रूप में अब अपने सामने आ रही है। नया अनुसंधान करने की दृष्टि से भी कुछ नई नई बातें सामने आई है, और हम सभी के लिए एक वो सुनहरे अवसर है, क्योंकि उसके कारण भविष्य में आने वाले सारे संकटों का सामना हम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, इसका विश्वास आज विज्ञान के जगत में निर्माण हुआ है। तो ऐसी कई बातों को हमें समझना चाहिए, और इस पर्यावरण दिन का जो एक संकेत या संदेश हम सभी को है, जैव विविधता को बचाना और जैव विविधता से कुछ समय देना,
इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो टाइम फॉर नेचर ये एक दूसरी कल्पना इस पर्यावरण दिन के ऊपर सबको बताई जा रही है कि वन नीड टू गिव टाइम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस नेचर। हम क्योंकि मैं कम से कम उपभोग करते हुए अपने जीवन को चला सकता हूं या आवश्यक जितना ही उपभोग करूंगा, मैं जहां बिजली की मुझे आवश्यकता है वहां निश्चित उसका उपयोग करूंगा, लेकिन मैं सावधान रहूंगा कि मेरे द्वारा बिजली, पानी और जितनी प्रकार की हरियाली यानी सब्जी, अन्न, ऐसी कई प्रकार की बातें हैं, उनका मेरे द्वारा उचित ही उपयोग होगा। इस प्रकार की कृति भी करने की आवश्यकता है और उसके प्रति अपना समय देना चाहिए। इन बातों को अगर अपने जीवन में लाना है तो ये केवल उपदेश करने की बातें नहीं है, तो स्वयं का जीवन भी उस प्रकार से चलाने की बड़ी आवश्यकता है। तो इन बातों को समझना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज के इस पर्यावरण दिन का एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी के लिए है और इस संदेश को अपने जीवन में उतारना, इसी में इस पर्यावरण दिवस की सार्थकता रहेगी। मुझे लगता है कि यही एक संदेश जो आज हमें प्राप्त हुआ है उसको अपने जीवन में उतार कर केवल अपने ही जीवन को नहीं तो सारे मानव जाति के जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प आज के दिन हम करेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनलाइटनिंग लेक्चर। यू हैव टच अपॉन मतलब न्यूमरस थिंग्स, बट सम ऑफ देम आई जस्ट ब्रीफ इट बिकॉज यू हैव टच वेरी सेंसिटिव मैटर्स। एज यू टोल्ड दैट वेरी मच स्पीसीज, अराउंड लैक्स ऑफ स्पीसीज आर एंडेंजर्ड बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, मतलब वी हैव टू प्रिजर्व देम बिकॉज दे हैव ग्रेट रोल इन आवर नेचर। एज वी नो दैट बायोडाइवर्सिटी हैज इम्पोर्टेंस, like colors, taste and cloths we wear, and what is the, you are told about the importance of biodiversity, then life cycle, and I must say the takeaway message from this today's session is relook into the our lifestyle because biodiversity has the role. Thank you very much for your lectures. May I now would like to present a brief introduction of our next panelist, Dr. Anil Kothari, sir, who is Director General at MPCST. Earlier, sir has served as Dean, Faculty of Humanities and Management, Director, Center for University Placement, Training and Corporate Affairs, and Director, School of Applied Management and Management at Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, which is State Technical University of Madhya Pradesh. Kothari, sir, has his master's and PhD in mechanical engineering from Government Engineering College, Rewa, Madhya Pradesh. We heartily welcome you, sir, to IES University. Now may I request Dr. Anil Kothari, sir, please guide us. Dr. Anil Kothari, sir. Sabhi ko namaskar. Maniye karyakram mein upasthit maniye Jayant ji, maniye B.S. Yadav ji, माननीय नवीन चंद्रा जी, माननीय डॉक्टर अखिलेश पांडे जी एंड माननीय सुनीता यादव जी और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष की पर्यावरण थीम बायोडाइवर्सिटी है, हम सब भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण हमारे सबके जीवन और अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले काफी समय से जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ है, वनों की कटाई हुई है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, हम लोगों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, वन्य जीवन व्यापार जो हमारा बड़ा है, और मुख्य रूप से जो जैव विविधता में असंतुलन आया है उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि हुई है और फलस्वरूप हमारे अस्तित्व के सामने एक संकट खड़ा हो गया।
हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आज का विषय है ये कोरोना महामारी, इसके मूल में भी ये पर्यावरण का असंतुलन और मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ कि जैव विविधता में जो असंतुलन आया है वो इसका एक प्रधान कारण है कि हम इस तरह की महामारियों से जूझ रहे हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं माननीय डॉक्टर अखिलेश पांडे साहब ने और माननीय जयंत जी ने हम सबको बताया कि ये जैव विविधता कितनी महत्वपूर्ण है, इसका संतुलन कितना महत्वपूर्ण है हम सबके अस्तित्व के लिए। इस पूरे ग्रह पे जितनी भी जातियां प्रजातियां और जैव विविधता है ये सब परस्पर अवलंबित हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। इसलिए हमें सह अस्तित्व के सिद्धांत के साथ ही एक दूसरे को बचाकर ही हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। तो जैव विविधता का जो असंतुलन है उसको हमें खत्म करना होगा। और ये कितना आप ये हमारे जीवन के लिए नहीं, माननीय भाई साहब ने बताया कि एक जैव विविधता हमारे जीवन को एक आनंद भी देती है, एक संतुष्टि भी देती है और इसका एक अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। तो हमें इसके बचाव के लिए निश्चित रूप से हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा और प्रकृति के साथ जो हमें एक तरह का सामंजस्य बिठाना होगा कि हम इस जैव विविधता को बचा सकें, एक जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम कायम कर सकें जिससे कि हम ये जो कोरोना जैसी बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसमें बायोडाइवर्सिटी, भाई साहब ने बताया कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास में पूरा एक डेटाबेस होना चाहिए। लगभग 10 लाख से ज्यादा जातियां आज मिटने की कगार पे हैं। ये बहुत ही एक चेतावनी है हम लोगों के लिए। ये असंतुलन आया तो हमें भविष्य में भी हम जानते हैं कि कोरोना होने की मुख्य वजह क्या है, तो इस तरह की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में अपना योगदान देती है और महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अब्दुल्लागंज में प्रोफेसर टीएस मूर्ति साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की है जिसमें पूरे प्रदेश के महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट्स के कंजर्वेशन का कार्य काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। परिषद में बायोटेक्नोलॉजी लैब का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसमें हमने विभिन्न प्रजातियों का जेनेटिक कंजर्वेशन का काम किया है और लगभग 1000 से ज्यादा प्रजातियों का DNA सिक्वेंस कर NCBI US की रिपोजिटरी में अब तक हम जमा कर चुके हैं। परिषद की बायोटेक लैब द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण जीवों और पौधों प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं और इन सब के लिए हम जीन बैंक डेटाबेस की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमने पूरे प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी का रिसोर्स एटलस तैयार किया है जिससे कि इस बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण का कार्य हम लोग प्रदेश में कर सकें। हमारी भविष्य की योजनाओं में हम बहुत शीघ्र ही होल जीनोम सिक्वेंसिंग जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं हमारे प्रदेश की उनके उसका कार्य हम हाथ में ले रहे हैं और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक एनिमल प्लांट और माइक्रोब्स के रिसोर्स एटलस का कार्य भी हम लोग शीघ्र ही करने जा रहे हैं जिससे कि इनका संरक्षण किया जा सके। भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भोपाल में हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क एवं इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी परिषद द्वारा की जा रही है जिससे कि प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण पे और भी शोध कार्य किया जा सके। यहाँ के रिसर्चर और इनोवेटर्स जो बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनको हम आगे ला सकें। परिषद
मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम का एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होना चाहिए, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परिषद द्वारा विभिन्न व्याख्यानों, सेमिनारों, वर्कशॉप और छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं को जोड़ते हुए बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको केंद्रित कर हम अपने इस बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए और भी आगे कार्य करेंगे। इस अवसर पे मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए IES यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति BS यादव जी, कुलपति डॉक्टर नवीन चंद्रा साहब, समस्त स्टाफ और विज्ञान भारती, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पे मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंफॉर्मेटिव सेशन सर। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर इनिशिएशन इन प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस एंडेंजर्ड स्पीसीज इन दिस मध्य प्रदेश स्टेट, एंड यू आर प्रिपेयरिंग द रिसोर्स एटलस एंड जीनोम सीक्वेंसिंग दैट इज टू बी डन in the next coming days in state of Madhya Pradesh. Sir, thank you very much for your enlightening session, sir. Thank you, sir. Next, we have respected Vice Chancellor IS University Bhopal, Dr. Navin Chandra, sir, as the moderator of the question answer session. Dr. Navin Chandra, sir, is among the most widely experienced leaders in the higher education, known for his commitment to explore new opportunities for students and catalyzing academic innovation. Dr. Navin Chandra has a vast experience in the field of industry and education. Sir has taken the university a step forward for commitment to excellence in teaching, research, and public service. He also fosters collaboration across IS University's different colleges and departments. Under his leadership, IS University has pursued initiatives to enhance the undergraduate experience, deepen graduate and professional education, and research in critical fields. May I now request Honorable Vice Chancellor, sir, to take up the question answer session, sir. सबसे पहले तो डॉक्टर अखिलेश पांडे जी और डॉक्टर अनिल कुठारे जी, आपको नमस्कार। हमें ऐसा पता चला है कि माननीय जयंत सहस्रबुद्धे जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद कहीं आवश्यक काम था उससे गए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो माननीय स्पीकर्स हैं अगर उसका जवाब देंगे तो हमारे बच्चों को उसकी मिल सकेगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि COVID-19 के संदर्भ में विश्व भर के रिस्पांस को देखते हुए क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, एक ऐसा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है। पांडे जी और या कोठारी जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जरूर जरूर। COVID-19 के संदर्भ में विश्व भर के रिस्पांस को देखते हुए क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, पांडे साहब बताएं। हेलो पांडे जी पूछ। हेलो हाँ डॉक्टर साहब। हाँ ये क्वेश्चन सर आप एक बार सर। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सर मैं सुन रहे हैं। ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स की तरफ से। नहीं मैं बताना चाहूंगा सर। जी जी जी। COVID-19 जो आया है एक तरीके से ये पॉजिटिव रिस्पांस रहा एनवायरनमेंट के लिए जी। और एनवायरनमेंट में जो कई तरीके के जो हमारी डाइवर्सिटी रही है, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं जो पहले यहाँ नहीं आ पा रही थी, वो आज माइग्रेट होकर के यहाँ आई है। लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि COVID-19 खत्म होने के बाद जब हमारी रूटीन की लाइफ स्टार्ट हो तब भी हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि यदि हम दोबारा फिर उसी तरीके से पोल्यूशन करते रहेंगे तो फिर बायोडाइवर्सिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर।
अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग टर्म इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड हाउ टू मेंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर इसके लिए अभी जो है माननीय जैन भाई सामने जो चीज बोली, लाइफस्टाइल चेंज करना है। हम क्या है, बायोडाइवर्सिटी का उपयोग तो करें लेकिन उपभोग ना करें। जब हम बायोडाइवर्सिटी का उपभोग करने लगते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, सफेद मुसली, किसी ने बताया कि सफेद मुसली का मेडिसिनल बहुत उपयोग है, तो लोगों ने सफेद मुसली को पूरा जंगलों से गायब कर दिया, उखाड़ लिया। हमको जो है, जो हम उपयोग में लाएं बायो जैव विविधता को, उसका उतना रिप्लेसमेंट करें। ऐसा नहीं कि केवल हम उपयोग करें, उपभोग करें, उपयोग करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने भी ये चीज बोला है, नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ ए पर्सन बट इट कैन नॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ द पर्सन। जब हम ग्रीडी नहीं हो, और वही मैसेज जो है जैन भाई साहब ने दिया है, उनके लेक्चर का पूरी थीम आप देखें कि जीवन शैली और उपभोक्ता, विश्व के जो पश्चिम देश रहे हैं उनकी संस्कृति उपभोक्तावादी रही है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति उपभोक्तावादी नहीं। उसी को हम मानेंगे, अपनी संस्कृति पे वापस लौट आएंगे, ये हमारे लिए पोस्ट कोविड एक तरीके से बहुत बड़ा अवसर एक मिला है, जहां हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी विविधता को बचाएं। सर एक और क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू मूव वर्ल्ड बिजनेस टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ये मोर ऑर लेस उसके ऊपर है कि क्या क्या ऐसे कानून या किस तरह से इसको किया जा सकता है कि बिजनेस वर्ल्ड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस करे। सर रूल्स रेगुलेशन तो कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन कानून को जो है हम यदि अपने जीवन में खुद स्टार्ट करें कानून को पालन करना, जैसे अभी आया है सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन जब नहीं था तो आप देखिए हमको, हम उतना अपनी गाड़ी को चलाते थे, पेट्रोल जलाते थे, सब जलाते थे, उससे अल्टीमेटली पॉल्यूशन होता है। जिस तरीके से आत्मनियंत्रण, स्व मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, यदि हम अपने तरीके से लाते हैं, तो जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब हैं, वो भी आज इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि महामारी जो है, जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि महामारी ऐसे नहीं है, हम खुद जनरेट कर रहे हैं महामारी को, तो हमको अपना स्वयं नियंत्रण, कानून तो है लेकिन हर समय सरकार या जो है एक तरीके से नियंत्रण करना संभव नहीं रहता। हम सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ें, और सेल्फ रेगुलेशन यदि बढ़ता है, वही एक जो हमारा हिंदुस्तान का करैक्टर था, हमारा जो दर्शन था, उस पर हमको वापस आकर के, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे उसके उपभोक्ता हो, स्टेक होल्डर को भी ये देखना पड़ेगा, लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम भी उस तरीके की चीजों को उपयोग में लाएं। और एक सबसे बड़ी चीज है आत्मनिर्भरता, जो अभी सर भाई साहब ने बताया कि हमें अपनी चीजों का उपयोग जब शुरू करेंगे ना, तो अल्टीमेटली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उससे नियंत्रित होंगे। एक और क्वेश्चन है साहब कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग से पोस्ट कोविड 19 रिकवरी प्रोसेस में कितना फायदा होगा। सर बहुत फायदा होगा, जैसे आप ये देखिए हिंदुस्तान, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा, हिंदुस्तान जो है उसकी जो कृषि व्यवस्था थी वो पशुपालन आधारित थी। जब तक वो पशुपालन आधारित थी, तब तक आप देखिए कि गांव सस्टेनेबल थे, मतलब गांव की एक अपनी छोटी यूनिट इकोसिस्टम था, जहां की हर टेक्नोलॉजी, हर तरीके के लोग अवेलेबल थे और पॉल्यूशन कम था। पशु पालते थे, आपको उसको मिल्क भी मिलता था, गोबर गोबर भी मिलता था, सारी चीजें मिलती थी। लेकिन जब हम पूरी तरीके से पशु जो पालन था, पशु आधारित कृषि को दूसरी चीजों में बदल दिया, और हमने जो है पूरी वेस्टर्न को कॉपी करके हमने एग्रीकल्चर में लाए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि कैंसर या महामारी जैसे, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, हम जो है जैसे जो पेस्टिसाइड या इससे जो प्रोडक्शन बढ़ा है, उस जो अन्य खा रहे हैं उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, और जब हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है तो ऐसी महामारी आ रहे हैं। तो हमको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या हमें जो है जैसा बताया कि हमारे जो लोकल स्थानीय जो चीजें हैं, स्थानीय चीजों को बढ़ा करके, उसका उपयोग बढ़ा करके, हम इसको लॉन्ग रन में, कोविड ही नहीं,
आज ये देखिए कोविड में जो संक्रमण है वो हिंदुस्तान में कम है, जो नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज हैं वहां जो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किया है, आप मानिए कि वहां पे बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। तो हमको थोड़ी अपनी संस्कृति को बढ़ा करके स्थानीय चीजों को प्रमोट करके ये सस्टेनेबल होगा। हमारे गांव, हमारी ग्रामीण व्यवस्था यदि सस्टेनेबल होगी तो आप ये मान के चलिए कि कंट्री